Very good morning to all dear students. Today we are going to learn chapter number 5. My parents sent me to the store. This is the beautiful poem written by Ken Nesbitt. Okay. In this poem, there is a little boy whose parents sent him to the store to buy a loaf of bread. But instead of that, he buy many things, many animals. ओके उसके पेरेंट्स क्या के लिए भेजे थे, ब्रेड लाने के लिए भेजे थे और वो बहुत सारे एनिमल्स लेके आ जाता है. ओके वो ब्रेड नहीं लाता है, देखते हैं वो क्या क्या लेकर आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द न्यू वर्ड्स. लूफ मीन्स बेक्ड पीस ऑफ ब्रेड इंस्टेड इन द प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी. हैमस्टर पेट एनिमल्स को बोलेंगे. मंगूस नेवला क्रेजी बिहेव्स लाइक नॉटी या फिर पागलपन. ओके बार्क्ड अ लाउड साउंड बाय अ डॉग. चेस्ड टू रन आफ्टर समबडी और समथिंग. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. My parents sent me to the store to buy a loaf of bread. मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टोर भेजे क्या के लिए, एक ब्रेड जो पका हुआ बेक्ड ब्रेड है वो लाने के लिए. I came home with puppy and a parakeet instead. लेकिन उसके बदले मैं क्या लेके आ गया, एक पप्पी छोटा सा डॉगी लेके आ गया. And parakeet. Parakeet means small bird. This parrot. Okay. Parrot ko hum log parakeet bolenge. Next. I came home with a kiwi, a hamster and a cat, a turtle and a lizard and a friendly little rat. देखिए और क्या क्या लेके आ जाता है, जितने भी एनिमल्स वहाँ पे दिखते हैं सारा वो लेकर के आ जाता है. देखिए यहाँ केवी, दिस इज द केवी, हैमस्टर, कैट और क्या लेके आता है, टर्टल एंड लिजर्ड. देखिए सी हियर, दिस इज द टर्टल, लिजर्ड, कैट. ओके ये सब लेके वो आ जाता है. आई ऑल्सो हैड अ मंकी एंड अ मंगूस एंड अ माउस. मंगूस मीन्स नेवला. तो वो क्या लेके आता है, नेवला भी लेके आता है, मंकी लेके आ जाता है, माउस लेके आ जाता है. ओके नेक्स्ट. दोज एनिमल्स वेंट क्रेजी व्हेन आई ब्रॉट देम इन द हाउस. जब वो उन्हें अपने घर लाता है तो वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, क्रेजी, नॉटी बिहेव करने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं. ओके दे बार्क्ड एंड यल्प्ड एंड हिस्ड एंड चेस्ड माय फैमिली आउट द डोर. बार्क्ड भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपनी अपनी जो भी आवाज़ें हैं वो सभी ये एनिमल्स निकालने लगते हैं और उन उसके फैमिली को परेशान करने लगते हैं. ओके माय पेरेंट्स नेवर लेट मी डू द शॉपिंग एनी मोर. उसके बाद क्या उसके पेरेंट्स कभी उसको दुकान भेजेंगे नहीं. वो सोचने लगे कि अरे बेटा को क्या लाने के लिए भेज दिया गया और ये क्या लेकर के आ गया. ओके सो हिज पेरेंट्स नेवर सेंट मी अगेन हिम टू द स्टोर. दिस पोएम इज रिटन बाय केन नेस्बिट. ओके आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली. नेक्स्ट We will discuss the question answer. Number A, take the correct answer. Number one, the parents of the child sent him to the, उस बच्चे के parents उसे कहाँ भेजते हैं, mall, shopping center या फिर store. So it will be store. Second number, the child bought blank to his home. बच्चे वो जो बच्चा था वो अपना घर क्या लेकर आ जाता है, चॉकलेट, वेफर्स या फिर एनिमल्स. क्या लेके आता है, इट विल बी एनिमल्स. नंबर थ्री,
The animals blank the family out of the house. Animals family को कैसे परेशान करते हैं? Yelped करके, chased करके या फिर both A and B. तो दोनों ही करते हैं, पीछा भी करते हैं और फिर चिल्लाते भी हैं. Okay, next. Answer the following questions. We will discuss your question and answer, and I'll send the answer in the group. Okay. Next. Number one. For what did the parents send the child to the store? Parents, उस बच्चे को store किस लिए भेजते हैं? Answer will be. The parents sent the child to the store to buy a loaf of bread. Bread लाने के लिए भेजते हैं, okay? Next, what did the child buy? Child ने क्या खरीदा? The child bought many animals instead of a loaf of bread. Bread के बदले वो क्या खरीद के लाता है? बहुत सारे animals लेके आ जाता है, okay? Next, what did the animals do with the family members? एनिमल्स ने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या किया? द एनिमल्स चेस्ड एंड येल्ड एट फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या किया एनिमल्स ने? येल्ड किया है ना, चिल्लाया, उनका पीछा किया और उनको घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर देता है. ओके, नेक्स्ट. राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम. इस पोएम के पोएट कौन है? The name of the poet of this poem is Ken Nesbitt. Next. See here. Look at the picture and name the animals. ये आप खुद से करोगे या मैं बता देती हूँ. This is the dog, cat, monkey, parrot, turtle, squirrel, mouse, lizard and this is the bear. Okay. Next. राइटिंग स्किल यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो अबाउट सम बर्ड्स एंड एनिमल्स. राइट द नेम्स ऑफ ईच एनिमल्स और बर्ड विच डिस्क्राइब इट. फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको पढ़िएगा. ये वर्ड्स है ना, उसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसको पढ़ना है. ये इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और जो करेक्ट है उसको यहाँ पे फिलअप करना है. ओके, सो लेट अस डिस्कस. फर्स्ट वन इज, इट इज़ अ लार्ज एंड हैज़ अ हॉर्न ऑन इट नोज. ये बहुत बड़ा है और इसके नाक पे क्या है, एक लंबा सा निकला हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा, अ राइनो. नेक्स्ट, इट हैज़ अ स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग फेदर्स विच कर्व्स ओवर इन बॉडी. देखिए ये छोटा सा है इसका बॉडी और इसका जो फीदर्स है ना, बाल हैं वो कर्व हुए हैं, लंबा बाल है लेकिन वो बॉडी में ही कर्व हो गए हैं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अ लेडी बर्ड. नेक्स्ट, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड लूज स्किन अराउंड इट्स नेक. देखिए इसका पूंछ क्या है, लंबा सा है और इसके नेक पे क्या है, बहुत ही लूज स्किन है. तो ये क्या हो जाएगा, अ फील्ड लिजर्ड. नेक्स्ट, इट हैज़ टू लॉन्ग टीथ कमिंग आउट ऑफ इट्स माउथ. इट लिव्स इन कूल प्लेसेस. देखिए इसके मुंह पे क्या है, दो लंबे लंबे दांत है और ये कहाँ रहते हैं, कूल प्लेसेस, ठंडे जगहों पे रहते हैं. सी योर अ वालरस. इसके दो टीथ है ना, लॉन्ग टीथ. नेक्स्ट, इट हैज़ हॉर्न विथ ब्रांचेस. देखिए यहाँ पे हाँ, इनके पास क्या है, ब्रांचेस, सींग है ना. यहाँ पे देखिए अ रेनडियर. नेक्स्ट, इट इज़ टॉल विथ टू लॉन्ग थिन लेग्स. इट हैज़ अ क्रॉन ऑन इट्स हेड. देखिए ये इसके दो लंबे लंबे लेग्स हैं और इसके सिर पे क्या है, क्रॉन है.
है ना, तो क्या हो जाएगा, अ क्रोन्ड क्रेन. ओके फिनिश्ड. सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.